water resources, mines and geology. Thank you, Aunty. Your presence makes me much stronger. सीखा बहुत कुछ दादी नानी से बात होगी। अब बिल्कुल बिल्कुल हमने डिसाइड कर लिया है, हम जो सारे सुपर फूड्स थे इंटरनेशनल वो छोड़ के अब हम दही कचौड़ी लस्सी ये सब ही खाने वाले हैं। अब अपने घर का खाना खाना है। आखिर आज दुनिया क्यों है भारतीय खाने की दीवानी? दादी नानी के रसोई अपनाएं और अच्छी सेहत पाए। करीना कपूर, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सैफ अली खान से लेकर अनिल अंबानी के सेहत का ख्याल रखती है रुजुता दिवाकर। फिक्की फ्लो ने करवाया काउंटिंग माइल्स नॉट कैलोरीज पर तासवण में आयोजन। की सेहत संभालने वाले रुजुता दिवाकर ने दिए टिप्स। क्या के नाम के घरानों से शिरकत की महिलाओं ने लाइव भारत में की सबसे खास बातचीत। जैन जवाहर दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सवर शुक्ला। आज ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने देश की धड़कन यानी कि जो फिल्म स्टार हैं उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं और हमारे बीच में हैं जी। आप अपना परिचय आप ही दे दें क्योंकि मास्क लगा है तो मैं पर्चे दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे पहले तैमूर का क्या हाल है? मेरा नाम रुजुता है। आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है जी जी। सो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश के सारे बच्चे सुखी रहे, सुदृढ़ रहे, तंदुरुस्त रहे। या तैमूर का क्या हाल है? मैं अगर कपूर परिवार की बात करूं, करीना कपूर और आपने बड़े बड़े स्टार के साथ और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको लोग पसंद करते हैं और इसलिए पसंद करते हैं कि आप उनकी खूबसूरती का राज, भगवान के बाद आपको आपका राज जो आप बताती हैं खूबसूरती बनने के लिए, क्या खाना क्या पीना सब कुछ खूबसूरती का राज। तो आज गुरु रामदास की अमृतसर नगरी में आई हैं आप, आज क्या बांटने वाली हैं आज? मेरे हिसाब से अमृतसर में जो है बहुत सारे लोग कड़ा प्रसाद से शुरुआत करते हैं। ये पिन्नी की लैंड है, ये पांच नदियों की लैंड है। सारा जो भी ज्ञान है सेहत का हो, खूबसूरती का हो, आपके घरों में ही है। आप ही के रसोई घरों में है और आप ही के दादी नानी और अम्मा के पास है। उन्हीं से उनसे जितनी जानकारी लेकर हम फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपके दादी नानी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो देश दुनिया में फैशन के नाम पर खुराना ज्वेलरी को कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम बात करते हैं यहाँ पर अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा दिखना। तो कहीं ना कहीं खुराना ज्वेलरी का ये तो शुरू से ही था। आज क्या सीखा आपने? आज आई थिंक एवरी डे इज इट्स अ लर्निंग डे। और आज भी बहुत अच्छा लगा रुजुता दिवाकर को मिलके। आज ये सीखा कि बस खाओ और गिल्ट फ्री खाओ, गिल्टी नहीं होना खा के। अच्छा, खाओ पियो एंजॉय करो, खाओ और खिलाओ। तो आज वहाँ पे स्टेज से कहा गया जैसे कि दादी और नानी की रसोई, दादी और नानी की रसोई क्या बनाती थी वो भी खाओ, जो खाना है वो भी खाओ, टेंशन नहीं लेने का। तो आज जो राज समझाई है फिक्की फ्लो की तरफ से, आज का सेमिनार बढ़िया रहा आपके लिए? बहुत बढ़िया रहा। रजुका जी का जो है उनको मैं काफ़ी देर से फॉलो करती हूँ, उनकी एक एक बात, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं और जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। करीना कपूर के डाइटिशियन, तो आप किस दृष्टि से देखती हैं दृष्टि खुराना जी? जी बिल्कुल, ये ज़रूर सीखा है कि जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज में जो भी हमारे रीजनल फूड्स हैं हम सबको वही खाना चाहिए जो हमारी दादी नानी सब कह रहे हैं। सो हमें ज़रूर उनको सुनना चाहिए। तो दादी नानी की कहानी रजुता के ज़माने और आज दिवाकर जी यहाँ पे आए और आज आपको सम्मान मिला। कहीं ना कहीं खुराना फैमिली आपकी है, आप वर्ल्ड फेमस फैमिली है, तो सीखा बहुत कुछ दादी नानी से बात होगी? अब बिल्कुल बिल्कुल हमने डिसाइड कर लिया है, हम जो सारे सुपर फूड्स थे इंटरनेशनल वो छोड़ के अब हम दही कचौड़ी लस्सी ये सब ही खाने वाले हैं। अब अपने घर का खाना खाना लौट आया। बिल्कुल बिल्कुल, विदेशी कल्चर से अब नहीं होगा, अब ये घर का खाना खाएंगे। दादी नानी कहानी और ये खुराना ज्वेलरी के ये अब बता दें नामचीन खुराना ज्वेलरी पूरे देश दुनिया में मशहूर है, ये उनके घर के परिवार की है और जिस तरह से खान पान को लेकर आज यहाँ पर इन्होंने लेक्चर किया, तो सबसे बड़ी बात है कि अब ये दादी नानी की कहानी भी कहेंगे और दादी नानी के नुस्खे भी अब खुराना परिवार में चलेंगे। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही, बैक टू ओरिजिनल। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या सीखा उन्होंने हमारे साथ। फिक्की फ्लो के हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे पूरा संगठन सभी से बात करेंगे। क्या सीखा आपने डॉक्टर? आप तो खुद डॉक्टर हैं तो, और खजाना भी आपके पास है, खर्च भी आप ही करती है, इतना खर्च किया, हमने सीखा खर्च किया, क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि अपने आप को जैसा भी शेप है उसको एंजॉय करो और लोगों की परवाह मत करो। लोगों की परवाह, आपके पति देव भी यहीं पे है? नहीं,
पति की करेंगे बट बाकी लोगों की नहीं। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सीखा आपने? सी मैंने तो अपनी अपने आप को ऐसे प्रूव करा है कि मैं देसी घी खा के बड़ी हुई हूँ और मैं लस्सी का गिलास पी के ही दिन की शुरुआत करती हूँ। सो आई एम सो हैप्पी कि शी जस्टिफाइज माय रूटीन। सो मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम देसी घी जो खाते हैं हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। हमने माँ की, दादी की, नानी की हाथ की बड़ी पिन्निया, बेसन की बर्फी को भूलना नहीं है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीज़ें जो हमारे हेरिटेज में है पास करनी है, ताकि वो बड़े होकर ये ना पूछे बेसन की बर्फी या लड्डू क्या चीज़ है। सो उनको सिर्फ चॉकलेट की बर्फी या चॉकलेट के बॉल्स ही ना याद रह जाए। सो पंजीरी, अलसी की पिन्नी एंड बेसन भी उनको खूब याद रहे जैसे हमारी मॉडर्न स्वीट्स है। क्या बात, फिल्मी दुनिया को ये बताती है, डाइटिशियन बताती है। दिवाकर जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी, बहुत कुछ सीखा आपने कुछ खान पान में। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रुजुता जी कहती हैं कि वेइंग बैलेंस पे नहीं खड़े होना चाहिए एंड वेइंग बैलेंस घर में रखो ही ना, अगर घर में ला रहे हो तो इसका मतलब है कि आप दुख दर्द और तकलीफ लेके आ रहे हो घर में। सो आई मेंटेन द सेम थिंग इन माय हाउस, आई डोंट हैव अ वेइंग बैलेंस एंड मैं कभी भी वेट नहीं चेक करती हूँ एंड मैं खुश रहती हूँ और मैं बहुत खाती हूँ। मैं दाल चावल और घी मेरी स्टेपल डाइट है। इवन बिफोर लिसनिंग टू हर आई यूज्ड टू हैव इट, क्योंकि हम लोग पंजाबी हाउस होल्ड से हैं तो हम लोग यही खा के बड़े हुए हैं एंड हमने कभी भी फैट डाइट्स एंड ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया है। अपने देश का खाना सबसे बेहतर पंजाबी खाना, सीजनल फ्रूट्स, करेला, टिंडा, भिंडी, ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। आपको शायद लग नहीं रहा होगा मैं सच बोल रही हूँ बट आप मेरी मदर से पूछ सकते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ एंड आई रियली इंजॉय सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स एंड अपनी खुद की धरती का खाना। तो आज न्यूट्रिशन अवार्ड विजेता रुजुता दिवाकर तो आज यहाँ पे आई थी और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पंजाब की धरती में खान पान में मशहूर पंजाब में आज उन्होंने कहा कि दादी नानी की रसोई सबसे बेहतर। करीना कपूर समेत बॉलीवुड के कई फिल्म स्टार के सेहत का ख्याल रखने वाली, उनकी खुराक, उनके खान पान पर ध्यान रखने वाली आज अमृतसर रुजुता दिवाकर पहुँची। उन्होंने कहा कि दादी नानी की रसोई सबसे बेस्ट, भारतीय खान सबसे बेस्ट, जो मर्जी खाओ लेकिन उसे पचाने के लिए क्या क्या करना है ये उन्होंने आज बताया, टिप्स भी दिए। और मंजोर ढिलन जो इस समय हैं फ्लो के, फिक्की फ्लो के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत के सिलसिले में कई ऐसे बातें बताई। कुल मिला के भारतीय रसोई सबसे अच्छी रसोई यह साबित हो गया है और यह साबित के साथ साथ आज जो उन्होंने यहाँ पर रुजुता दिवाकर ने कहा तो कुल मिलाकर भारतीय खाना सबसे बेहतर है। और कई ऐसी महिलाएं फिक्की फ्लो के इस मंच पर आईं और उन्होंने कहा कि हम फास्ट फूड यानी कि विदेशी खाना से तौबा कर लेंगे और अपने देश का खाना यानी भारतीय सभ्यता में भारतीय खाना, दादी नानी की रसोई सबसे बेस्ट। तो ये थी स्पेशल खबर मनोज भगत के साथ समर शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।